बार की बात एमबीए बीके सिंह के साथ में आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। आई मस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इंट्राडे टेक मुंबई। सोमवार की बात मंडे स्टॉक विथ एमबीए बीके सिंह। ये एपिसोड दोस्तों 2021 से चलता दो साल से आ रहा है, तीसरा साल आपको। और इस वीडियो में सोमवार की बात एमबीए बीके सिंह के साथ जो एपिसोड है, इसमें आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक वीडियो में एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलता है। और लगभग ये 250 के आसपास वीडियो है मंडे स्टॉक टू विथ एन बी के सिंह। हर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये तीन दिन में एक दिन आता है जिस दिन मार्केट क्लोज होता है खुलने से एक दिन पहले तक। सोमवार को मार्केट खुलेगा, उस बीच में आज क्लोज हुआ तो शुक्र, शनिवार, रविवार, ये तीन दिन में कभी भी एक दिन आता है, इसका कोई भी टाइम नहीं रहता, लेकिन आएगा जरूर दोस्तों। और आज से ये मेंटेन करते हुए चलिए दोस्तों सोमवार की बात एमबीए बीके सिंह के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर के लिए ओबिट डिलीवरी में लेकर रखने वाले स्टॉक की। 2023 से 2030 तक 7 साल के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 7 साल में कैसे आप इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपके पैसे कम से कम 700% का प्रॉफिट दे दोस्तों। और दूसरी तरफ इस 2023 में 7000 कंपाउंडिंग प्रॉफिट देने का जो वादा है वो तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन अभी बहुत स्लो रफ्तार से चल रहा है दोस्तों। लेकिन आने वाले इस मार्च के बाद अप्रैल में जो क्वार्टरली सभी कंपनियों का जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो अप्रैल के बाद मई से बहुत तेज़ी से कुछ ऐसे स्टॉक जो हम आपको 2030 से के लिए एडवाइस हम अपनी व्यक्तिगत रूप आपको शेयर कर रहे हैं, अपनी उसको ध्यान से सुनिए दोस्तों। तो चलिए 2030 तक 700% मतलब कि 1 रुपया का 7 रुपया ये सभी स्टॉक्स मिलकर आपको दे सकते हैं, ये हमारी अपनी पर्सनली व्यक्तिगत राय है। कौन से स्टॉक जो है आपको 700% का प्रॉफिट दे सकता है, और इसमें सबसे बड़ा आत्मनिर्भर भारत बनने की जो मिशन में जिस कंपनियों ने भीड़ा उठाया है उसमें 100% आपको मिलने के चांस है। तो पहला नंबर दोस्तों, ये स्टॉक निफ्टी 50 का है, नेक्स्ट 50 का है, 500 का है और सेंसेक्स का है, और ये डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा एक दम रखता है जो आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकता है। और ये भी जान लीजिए कि ये बहुत बढ़िया स्थिति में है, अब आपको इसको जरूर लेकर रखना चाहिए। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। दूसरा स्टॉक है इसी से जुड़ा हुआ, इसी के कोलैबोरेशन और इसके साथ गार्ड से रेलवे का डेवलपमेंट जो होना है, ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड फेल, और दोनों इस मिलकर करेंगे बहुत बड़ा खेल 2023 तक। तो आप हर बार जिस प्राइस पे लिए हैं इसको, हर गिरावट में अगर प्राइस से नीचे आता है तो हर गिरावट में आप खरीदारी करते रहिए 2030 तक। अब हो गया रेलवे की बात। तीसरा स्टॉक जो है आपको मैं बता दूं, ये जितने भी स्टॉक्स बता रहे हैं अब इसके बाद से दो स्टॉक के बाद ये सभी डिविडेंड देते हैं, और ये पावर सेक्टर, सोलर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए स्टॉक हैं दोस्तों। NTPC और IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, दो स्टॉक, दो उधर चार, बना लीजिए पोर्टफोलियो 15 स्टॉक का 2030 तक, और कमा लीजिए 700% का प्रॉफिट 100% अगर ये फॉलो किए दोस्तों। जिस प्राइस से आप खरीदेंगे अगर उस प्राइस से 25% तक बढ़ता है, कभी भी 25% तक आपका पूंजी बढ़ जाता है, वहाँ पे सेल करके प्रॉफिट बुक करना है, और फिर जब नीचे आता है तो आपको खरीदारी जरूर करना चाहिए, यह है कंपाउंडिंग प्रॉफिट। अब आइए दो स्टॉक पावर
ग्रीन सोलर एनर्जी और दो रेलवे का स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ कैटिंग का, और तीसरा सेक्टर स्टॉक है आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो डिफेंस सेक्टर में भी है और ऑटो सेक्टर में है जो भारत सरकार से मिलकर काम कर रही है दोस्तों, वो है आपको अशोक लीलैंड जी, टाटा मोटर और भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ साथ टाटा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये हो गया आपका डिफेंस सेक्टर का। कौन सा अब और स्टॉक जो जिसको पैनी स्टॉक के रूप में हम रखे हैं, और पैनी स्टॉक इसलिए रखे हैं कि ये कभी भी आपको मालामाल कर सकता है, और पैनी स्टॉक वो आपको बताने जा रहे हैं जो आने वाले समय में आपको बिग ब्लास्ट कर सकता है दोस्तों। जी हाँ, बिग ब्लास्ट कर सकता है, और ये आज के डेट में पैनी स्टॉक ही कह सकते हैं इस पे। पैनी का मतलब क्या दोस्तों, जिस स्टॉक की रफ्तार ये कभी भी नीचे जाएगी, इसको थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे। हम आपको बता दें, आपको बताए थे अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अभी मत लीजिएगा। 1380 टारगेट था, इस लेवल पर रुकता है तो, उसके बाद 1360 का टारगेट था रुकता है तो, फिर 1280 रुकता है तो, और चला गया कितना, एक मिनट थोड़ा हम भी देख लें, इसलिए कि हम जब 1300 से नीचे आया था तो हमने देखा नहीं था दोस्तों, ये कितना पे क्लोज हुआ वो भी हम आपको जल्दी से अपडेट कर देते हैं, 5 सेकंड का समय लगेगा। अडानी इंटरप्राइजेज ये तो चला गया दोस्तों 1312 रुपया, और ये मैक्सिमम गया था 1261 रुपया तक गया था दोस्तों, 1261 मतलब कि 1261 का मतलब हो गया जानते हैं कितना, लगभग ये 90 पॉइंट गया था, और यहाँ से फिर अभी ये क्या करने वाला है वो भी आपको थोड़ा सा ज़रूर बताएंगे। और ये अगर ये 1297 1100 1107, अब देखिए लेवल इसका दोस्तों, अगर इसका लेवल देखेंगे, देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखेंगे नहीं तो फिर फंस जाएंगे दोस्तों। अब इसका लेवल है दोस्तों, अभी रुकेगा अगर ये 1312 रुपये पर गया है, और अब ये क्या कहता है वो भी देखना है, ये 1400 से भी नीचे चला गया, फिर ये 1422 का लेवल, 1315 1201 1302 ये हाँ 1160 1220 एक लेवल बन रहा था 1463, और फिर ये 1395 ये चला गया, ये 1700 फिर नीचे आया 1400, और फिर ये आ गया 1315 के बाद ये एक बार यहाँ 1220 का लेवल दोस्तों, 1220 का इंतज़ार करेंगे। अगर एक दो दिन रुक जाता है इसमें, अगर 1220 के नीचे चला गया अडानी इंटरप्राइजेस, तो समझ लीजिए कि इसको ज़रूर आपको रखना चाहिए। अब आ जाइए टाटा कंज्यूमर्स लिमिटेड FMCG सेक्टर का और ITC, ये दोनों जो है रडार पर रखना है, और ITC जहाँ तक हमारी आशा है कि अभी एक बार मार्च, इसलिए कि ये जितने भी स्टॉक्स का नाम बताएं हम अप्रैल से खरीदारी शुरू करेंगे, ये सभी स्टॉक को रडार पर रखिए, और ये जो वीडियो है आपको
इन्वेस्टर के लिए है। सभी इन्वेस्टर बहुत अच्छी तरह ध्यान से देखिएगा, और पहली बार आएँ दोस्तों इंट्राडे टेक मुंबई एमबीए बीके सिंह चैनल पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी की चैनल को, अगर स्टॉक मार्केट में हैं तो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए आप शेयर धारक हैं, या किसी भी क्षेत्र से स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, आपको पिछला वीडियो जब देखेंगे तो ज़रूर करके रखिए, बेल आइकन घंटी भी दबा कर रखिए, ताकि सबसे पहले 24 घंटा में कभी भी कहते हैं आप बेचो, खरीदो या रखो, तो आप बेल आइकन घंटी दबा कर रखेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आपका कभी भी नुकसान प्रॉफिट में बदल सकता है। तो ये हमारी आज की इस वीडियो में यही है कि जितने भी स्टॉक्स हैं आपको अप्रैल से अभी स्टॉक मार्केट को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अभी अडानी के बाद, अडानी ग्रुप के बाद जो स्टॉक मार्केट में एक महारथी हैं और राकेश झुनझुनवाला का गुरु कहे जाते हैं, इनका नाम है राधा कृष्ण दमानी। सबसे पहले 2023 में आया आफत अडानी पे, और दूसरा फिर अभी आया डी मार्ट पे। दोस्तों नहीं जानते तो जान लीजिए, आरके दमानी, राधा कृष्ण दमानी का भी स्थिति बहुत ख़राब हो गया। 12 बिलियन डॉलर से 2 बिलियन डॉलर हो गया इनका स्टेट और मार्केट कैप। डी मार्ट की स्थिति बहुत ही ख़राब है, और इसीलिए अगर आपके पास है तो बेचकर निकल जाइएगा, पहले हम आपको बता दिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ, डी मार्ट अगर है तो बेचकर निकल जाइए, वरना भारी नुकसान हो सकता है। क्यों, इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बताए हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए जाइए और पढ़िए आरके दमानी की स्टेटस, उनका लेवल, जो टॉप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर से इन्वेस्ट से शेयर बाज़ार से पैसा कमाए थे और मुंबई में ही पैदा हुए थे राधा कृष्ण दमानी, उसके बाद शेयर मार्केट से पैसा कमाकर डी मार्ट खोले थे, जिन पे अभी 200 के आसपास इनका रिटेल शॉप शोरूम जो कहिए या स्टोर कहिए था, लेकिन स्थिति बहुत ख़राब है। अगर आपके पास डी मार्ट है, डी मार्ट मतलब सुपर एवेन्यू मार्केट, तो आप बेचकर निकल जाइए, प्रॉफिट बुक कीजिए, वरना भारी नुकसान हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।